नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, देख रहे हैं आप मौसम कितना बढ़िया हुआ है मुंबई में। और मुंबई में जब ऐसा मौसम हो और खाओ दोस्त कुछ खाए नहीं, बढ़िया बढ़िया सा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ दिनों से खूब बारिश पड़ रही है, अब थोड़ी कम हुई हुई है, लेकिन लगातार बरसात होती ही जा रही है मुंबई में। और हम भी बस लगातार कुछ ना कुछ बनाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। पिछले दो दिन दिनों में तो पता नहीं प्याज का भजिया, आलू का भजिया, कड़ी पकौड़ा, पता नहीं क्या क्या खा लिया। और आज भी मन कर रहा है कहीं बाहर जाकर कुछ बाहर का गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ ऐसा कुछ खाया जाए। लेकिन आज ना हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं मुंबई में जब बरसात होती है तो यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जगह जगह पे पोटहोल्स हो जाते हैं, ट्रैफिक किसी भी समय जाम हो सकता है। इसलिए आज हमने सोचा कि हम 11 नंबर की बस से जाएंगे, यानी कि पाँव पाँव पैदल। जी हाँ, पैदल जाएंगे, वॉक करेंगे, इस मौसम के मज़े लेंगे। और जब तक खाने की जगह पर पहुँचेंगे ना, भूख भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन पहुँचेंगे तब जब यहाँ से निकलेंगे, और निकलेंगे तब जब लता जी आएंगी। कब से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर खड़े खड़े, अभी तक आई नहीं। मुझसे कहा था आप नीचे जाइए, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। लेकिन माय डियर हस्बैंड्स, आप तो आप जानते ही होंगे आपकी वाइफ्स के 5 मिनट क्या होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे वाइफ के भी 5 मिनट हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगे। चलिए आइए देखते हैं लिफ्ट के पास चलकर आई हैं कि नहीं। आइए हमारे साथ, आप भी वेट कीजिए ना, आप क्यों एंजॉय करेंगे, आइए। फाइनली, इतना टाइम क्यों लग गया? अरे थोड़ा सा क्या, आज तो हम गाड़ी में थोड़ी जा रहे हैं क्या? अरे और नहीं तो क्या, पैदल जाएंगे। अरे इतना बढ़िया मौसम है, छाते में आओ ना। नहीं नहीं, मुझे बारिश में पैदल नहीं चलना। अरे चलो नजदीक ही जाना है। अरे पास में ही जाना है, आइए तो सही। अरे देखो पहला तो एक और ले ले। अरे नहीं, एक छतरी और हम हैं दो, अब क्या हो, चलो तो सही। नहीं नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल जाएंगे। अरे पैदल जाएंगे, पास में ही जाना है, क्यों गाड़ी, पता है ट्रैफिक कितना रास्ते में। मजा आ रहा है कि नहीं? कुछ मजा नहीं आ रहा है। अरे अभी तो शुरू है सफर, पैदल कभी कभी चला करो, खाली एक्सरसाइज करती रहती हो भाग भाग के, वो अच्छा लगता है। दोस्तों ट्रैफिक बहुत है, रोड क्रॉस करना मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे। चलिए आराम से। अरे आइए आइए। अरे खाने को मिल जाएगा थोड़ा, चलिए तो सही, मौसम कितना अच्छा है। और ये जो रोड है ना, ये यहाँ की मलाड की बैक रोड है, बहुत फेमस है, पता है आपको तो पता ही है, दोस्तों को नहीं पता उन्हें बताते हैं। यहाँ पर ना लोग फ्रेंड्स सुबह शाम दोनों समय इतनी जॉगिंग होती है, इतनी वॉकिंग होती है, इतनी साइकिलिंग होती है, इतने जो भी एक्सरसाइज के शौकीन लोग हैं ना, इस सड़क को ज़रूर यूज़ करते हैं। क्योंकि मेन रोड उस तरफ है, वहाँ पर ट्रैफिक होता है, और यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। इसलिए हमने भी अपनी रोमांटिक वॉक करने के लिए आज इस सड़क को चुना है, ठीक है? तो हम एंजॉय करते हैं हमारी वॉक, और आप भी हमारे साथ चलते रहिए, खड़े खड़े चलिए, खड़े खड़े चलिए, चलिए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे, अरे धीरे तुम्हें चल रही है, फास्ट फास्ट चलो। तो दोस्तों अच्छी अच्छी सड़क से होते हुए हम एक बिजी सड़क पर पहुंच गए हैं। ये है मलाड की मशहूर खाऊ गली, कहते हैं इसे, मलाड वेस्ट में है। यहाँ पर सैंडविच से लेके गोल गप्पों से लेकर नॉनवेज से लेकर हर डिश मिलती है। आप बस यहाँ पर आएँ और आपकी जस्ट चॉइस बता दें, और आपको वो खाने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट या छोटा सा स्टॉल या छोटी सी रेड़ी भी मिल जाएगी। एवरीथिंग अवेलेबल ऑन वन स्ट्रीट। अभी स्ट्रीट से गुजरते गुजरते हैं, हमें तो बहुत भूख लग गई है। अब हम चलते हैं अपने मुख्य कार्य की ओर, जो कि है खाना गर्मा गर्म। तो चलिए अब देर नहीं करते, आप भी चलिए हमारे साथ, आपको भी भूख लगी होगी इतना सब कुछ देखकर। मुझे तो बहुत लग गई है, चलिए। आपको कब नहीं लगती, जब मेरे साथ होती है आपको भूख ही लगती रहती है, आइए। तो दोस्तों हमारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आप समझ गए होंगे कि हम अपने मुख्य कार्य के पास पहुंच गए, यानी कि जिस रेस्टोरेंट में आज जाने वाले हैं हम वहां पहुंच गए। आज हम जा रहे हैं एक तिब्बतियन एंड चाइनीज रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है सरन्या। यहाँ का सूप, यहाँ का थुकपा और यहाँ के मोमोज ना कमाल के होते हैं। और ऐसी बारिश पड़ रही हो और गर्मा गर्म सूप या थुकपा मिल जाए और साथ में स्टीमिंग हॉट मोमोज, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें अंदर, देर नहीं करते हैं, जल्दी चलिए। तो फ्रेंड्स
पहुंच गए हैं हम सेरेनिया फाइनली, बारिश में चल चल कर। थैंकफुली ज़्यादा बारिश हुई नहीं इसलिए हम बच गए। अब चलिए अंदर, अंदर जाके बाकी की बातें आपसे करेंगे। आइए लता जी, चलिए चलिए। दोस्तों बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, हार्डली 3 या 4 टेबल होंगी यहाँ पर अंदर, और लेकिन खाना अमेजिंग। देखते हैं हमारे फेवरेट अंकल अंदर हैं कि नहीं, उनसे बातें करने में बहुत मज़ा आता है। बस इस जगह पर आकर ना मज़ा ही आ जाता है, इतनी प्यार है यहाँ पर ना, इतनी वॉर्म्थ है। आज हमारे अंकल यहाँ पर हैं नहीं, शायद अभी आएंगे। और देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत सी फोटोएं लग रही है, जिनका देखकर भूख और लग रही है। और मेनू कार्ड हमारे सामने ही है दोस्तों, हमारे सामने सेरेनिया का मेनू कार्ड है। बहुत ही वैरायटी है, तिब्बतियन और चाइनीज़ और मतलब वेजिटेरियन और बस। लेकिन हमें तो हमें पता है हमें क्या खाना है। हाँ तो मेरे दोस्त, एक हमको ले आओ ये टेंजिंग सूप, थिक सूप विद वेजिटेबल एंड चॉइस ऑफ प्रोटीन। इसमें वो टोफू मिल जाएगा, चलो। और एक मुझे दे दो चिकन थुक्पा और मोमोज। हाँ मोमोज तो वेज चाहिए। एक वेज स्टीम मोमोज कर दीजिए और एक चिकन स्टीम मोमोज। तो खाओ दोस्तों, सेरेनिया रेस्टोरेंट में तो हम आ गए हैं, लेकिन एक चीज़ या एक इंसान को हम बहुत मिस कर रहे हैं आज। बताइए कौन है वो लता जी? अंकल ऑब्वियसली। जी हाँ, हमारे अंकल जो इस रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं, लेकिन अभी वो यहाँ आते नहीं हैं। अभी हमने इंक्वायरी की उनके बारे में कि उन्हें हमने बताया कि अब वो 93 इयर्स ओल्ड हो गए हैं, और इसलिए हम उन्हें आज भी इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि बातें इतनी प्यारी हुआ करती थी ना कि मज़ा आ जाता उनके साथ बातें करके। तो चलिए कोई बात नहीं, अंकल नहीं है लेकिन उनका रेस्टोरेंट है, उनका खाना है, और उस खाने में उनका प्यार और उनकी वॉर्म्थ हमेशा झलकती रहती है। क्यों बताइए, आप क्या कर रही हैं? हमारा डाकिया डाकिया ला। खाओ दोस्तों, समय आ गया है जिसका इंतज़ार था। हमने मंगाया है चिकन थुक्पा, और ये इसके अंदर मिंस चिकन कीमा है, और साथ में नूडल्स हैं। ये ना हमेशा हमारे फाइट करनी पड़ती है नूडल्स को खाने के लिए और इस सूप को खाने के लिए, लेकिन हमने इसका एक आइडिया निकाला है। हम क्या करते हैं, एक फोर्क लेते हैं, उससे हम इन नूडल्स को ऐसे लपेटते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे गर्म बहुत है। ओहो, लेकिन हमने कहा था ना मौसम है तो गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ खाना चाहिए, मिल गया। ये अब सूप से सूप भी आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया, रिफ्रेशिंग डेलिकेट एंड वेरी डिलीशियस। आ रहा है, आ रहा है, आपका भी आ रहा है। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ सॉसेस वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने अलग अलग टाइप की 3 सॉसेस दी हुई हैं। अब उनसे हम पूछेंगे कि ये कौन कौन सी सॉस है तो वो हमें बताएंगे। हाँ भाई साहब, ये आ गया लता जी का सूप, टेंजिंग वेज सूप। हाँ सुनिए, ये कौन कौन सी सॉस है इसमें? स्वीट एंड स्पाइसी, एक स्पाइसी सॉस है, एक स्वीट सॉस है, और एक स्वीट एंड स्पाइसी सॉस है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन मिला है, कोई बात नहीं, हम सूप पीते हैं, आप पी के बताइए अपना। आइए इंटरेस्टिंग, मुझे लग है मतलब देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे स्वीट कॉर्न सूप होता है, लेकिन वैसा नहीं है, अलग है थोड़ा। मैं पी के देखूं? हाँ एक्चुअली ये मुझे स्वीट कॉर्न और मंचाओ सूप का मिक्सचर लग रहा है, विदाउट द डार्क सोया सॉस। हाँ, नॉट वेरी स्पाइसी, वेरी फ्रेश, माय गुड फ्लेवर ऑफ गार्लिक आल्सो। गार्लिक या दोनों ही सूप बहुत ही मजेदार है, ये हमारा थुक्पा भी और ये लता जी का टेंजिंग सूप भी। तो स्टार्ट बहुत अच्छा है, अब वेट होगा मोमोज का, तब तक पियेंगे सूप। डालो मैं इस पे कुछ थोड़ा? डालो, सब कुछ डालो, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। हाँ तो खाओ दोस्तों, थुक्पा हो गया ख़त्म, बहुत मज़ा आएगा। इस मौसम में भी पसीने छुड़ा दिए, इतना गर्मा गर्म था ना, और ये सॉसेज डाली ना, मज़ा आ गया थुक्पा पीने का। भाई मोमोज कितना टाइम हो रहे हैं, जल्दी ले आइए। अब एक बार खाना शुरू किया तो बीच में रुक नहीं सकते, क्यों? आपका सूप चल रहा है? थोड़ा सा। बड़े मज़े ले लेके पी रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए करते हैं इंतज़ार मोमोज का, जिसका नाम ही इतना प्यारा है, मोमो मोमो।
अब मोमोज खा के बताते हैं कि मोमोज हैं कैसे। हाँ गर्म है, कैसे खाएं? लेकिन मुझे तो हाथ के साथ ही खाने का मजा आता है। हाँ मैं भी हाथ से ही खाती हूँ भाई। चटनी हाथ से मजा आता है। और ये आपके पास भी है? आपकी मम्मी पानी क्यों आ रहा है? मैं नहीं खा पा रही हूँ, क्यों मुंह जला लूंगी, पहले सूप से जला लिया। वेरी नाइस। वाह हाँ हाँ मुंह जलेगा आराम से। क्या बात है। हाँ कभी कभी ऐसा मौका आता है जब लता जी कहती है आई डोंट वांट टू स्पीक, तो इनको रोज मोमोज खिलाने चाहिए। क्यों घर जाके मारना मत? यही मारूंगी। तो दोस्तों मोमोज और थुक्पा और सूप का तो मज़ा हमने ले लिया, अभी हम वेट कर रहे हैं मेन कोर्स का। हमने मंगाया राइस और एक चिकन की डिश, लेकिन तब तक ना इन्होंने टाइम पास करने के लिए कुछ दिया हुआ है अपने मेनू कार्ड के पीछे। ये देखिए हॉर्स ड्रैगन पिग पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से तिब्बतियन ज़ोडियक साइंस होगा, मेरा गैस है क्योंकि 12 है और ये बाय आपके ईयर ऑफ बर्थ डिसाइड होता है। जैसे कि हमारा ईयर ऑफ बर्थ है 1966, तो उसके हिसाब से हम हुए द हॉर्स। अभी हॉर्स के क्या ट्रेड्स हैं सुनिए लता जी। अ पर्सन बॉर्न इन दिस ईयर इज सेट टू बी चेयरफुल पॉपुलर एंड क्विक विटेड, राइट और रॉन्ग? यू आर, यस करेक्ट, दिस इज राइट। द अनप्रेडिक्टेबल हॉर्स विल फॉल इन लव इजीली। अच्छा ठीक है, मेरा भी क्या है। अच्छा तो आपका ईयर क्या है बर्थ का? 76। ये रहा 76 ड्रैगन। सही है, एकदम सही, ड्रैगन ही है। अच्छा ड्रैगन की क्वालिटी देखिए। The dragon person is magnanimous and full of vitality and abound strength. In China, the dragon symbolizes the emperor. Emperor or the belongs. It represents power. Yes, power तो बहुत है आपके अंदर, हैं? अरे बहुत सही है, बहुत अच्छा time pass है वैसे। अलग-अलग animals की qualities इन्होंने अलग-अलग zodiac sign के साथ relate की हुई है, तो मजेदार है, time pass है। मैं तो अपने बारे में और पढ़ूंगा थोड़ा सा, लेकिन धीरे-धीरे। अच्छे अच्छे चलिए ये भी पढ़ लिया। खाना कब आएगा? लाइट था ना, सूप और मोमोज तो एकदम फर्स्ट क्लास थे, तो फ्रेश भी थे ना। तो दोस्तों ये है वेज राइस, वेजिटेबल्स डाल दीजिएगा। शाप्ता दे है इसका नाम, दिस इज कुक्ड इन वेजिटेबल्स और साथ में चिली फ्लेक्स है। तो लता जी की पसंद की वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, ब्रोकली जुकीनी पेपर सब नजर आ रहे हैं और क्या बात है, अमेजिंग। शाप्ता दे दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप कभी मुंबई आए और आप मलाड एरिया में हो तो सेरेनिया आकर तिब्बतियन फूड जरूर खाइए। चाइनीज तो हर जगह मिल जाता है लेकिन तिब्बतियन फूड बहुत कम जगह अच्छा और ऑथेंटिक मिलता है। एंड आई कैन वाउच फॉर दिस प्लेस, मैं कई सालों से यहाँ पर खाना खा रहा हूँ और यहाँ का खाना चिकन चापशा, क्या नाम है सर? साक्या झाशा, झाशा यानी कि चिकन और साक्या यानी कि उसकी प्रेपरेशन। इसमें भी रेड चिलीज पड़ी हुई हैं, आई थिंक इसमें चिली ऑयल भी डाला गया है और साथ में थोड़ी सी कुकिंग वाइन। ग्रेवी वाला डिश है ये भी, थोड़ी स्पाइसी होती है वैसे। लुक्स अमेजिंग, क्या बात। मैं तो इतनी खुश हो गई हूं ना, जो राइस के वेजिटेबल्स देखे मुझे, वाओ। हाँ इट्स ऑल इन वन मील, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं साथ में। तो नो दोस्तों खा कर देखते हैं शाप्ता दे और शा 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 झाशा नाम भूल गया। शाप्ता दे वेरी गुड, इट इज सो नाइस, सो फ्रेश, सो लाइट। हाँ क्या बात है। मैं एक्चुअली जो फ्राइड राइस खाते हैं ना हम लोग, उसके ऊपर आई प्रेफर दिस ओवर दैट। तो सॉसेस कम है, फ्लेवर बहुत है, फिर भी बिना कम सॉसेस में वेजिटेबल्स बहुत है। और सही लिखा हुआ था टिबेटियन फूड के बारे में इनके मेन्यू में, अमेजिंग। ये खा के ना इट गिव्स यू अ रिलैक्स्ड फीलिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग खाना होता है। एंड किचन इनकी बहुत ही हाइजीनिक है एंड इट इज कुक्ड विद अटमोस्ट केयर एंड लव, वो खाने में झलकता है। प्यार तो हमेशा, अगर प्यार से खाना बनाया हो ना तो प्यार खाने में झलकता है और वो प्यार इस खाने में झलक रहा है। क्या बात है,
टिबेटियन फूड काफ़ी अलग है चाइनीज़ फूड से। किसी रेस्टोरेंट में जाओ ना तो यूजुअली बोलते हैं टिबेटियन फूड, लेकिन होता है वो चाइनीज़ ही, पर यहाँ का चाइनीज़ और टिबेटियन ऑथेंटिक है, दोनों बहुत ही अलग अलग है। पता लगता है कि हर डिश जब ऑर्डर की जाए तभी बनाई गई है। फूड को तो हमारा है। तो लता जी बताइए टिबेटियन खाने का मज़ा। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया फ्रेंड्स, और बिल भी आ गया, और बिल देने में भी मज़ा आ गया क्योंकि बिल कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही रीजनेबल रेस्टोरेंट है। आप दो या तीन लोग अगर यहाँ पर आए, तीन लोग, तो मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये में आराम से पेट भरकर वेज और नॉन वेज खाना खा सकते हैं, वो भी मज़े के साथ। आइए तो खाओ दोस्तों, आप सबसे बिछड़ने का समय आ गया है, उस बात का हमें बहुत दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप लोगों के साथ जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और सेरेना का खाना लता जी बताएंगी रेटिंग, बताइए 100 on 100 दे दिए सेरेना को खाने के, और खाने से ज़्यादा यहाँ का स्टाफ, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का प्यार, यहाँ का वॉर्म्थ बहुत ही मज़ेदार है। तो जब कभी आप मलाड में हो, मुंबई में हो, मतलब चिंचोली बंदर एरिया में हो, तो सेरेना का टिबेटियन खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही फ्रेश। वैसे इस लोकेशन का गूगल लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिए उसे, और सेरेना आके टिबेटियन खाने का आनंद लीजिए जैसे आज हमने लिया है। तो अगले ब्लॉग तक क्या करना है बताइए, बताइए, हाँ पीना है, ऐश करनी है। धन्यवाद। चलिए आइए, अम्ब्रेला हम ले लीजिए, ले लीजिए, एक मिनट, जल्दी आइए, जल्दी आइए। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने फिर से भूख लगाई, जल्दी चलिए। टिप टिप बरसा।